मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम देने वाला शख्स गोल्डी बरार था, जिसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से बताया जा रहा है। मशहूर सिंगर की हत्या होने के बाद से ही सभी जगह हाहाकार मचा हुआ है। सभी आर्टिस्ट और सभी सिंगर डरे हुए हैं। उनमें से ही सिद्धू मूसेवाला की करीबी दोस्त सोनम बाजवा का बड़ा खुलासा सामने आया है। पहले तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर दो स्टोरी सिद्धू मूसेवाला पर लगाई, जिसमें साफ जाहिर हो रहा है कि उनका दिल टूट चुका है। इसके बाद में उनका एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सब कब हो गया कुछ पता ही नहीं चला, और पंजाब में गुंडागर्दी इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि हम सब भी अब डरे हुए हैं। मेरी सिद्धू मूसेवाला से अक्सर बात हुआ करती थी, अभी भी 3 दिन पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी। उनकी बातों से ऐसा जाहिर हो रहा था कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता हो कि इतनी बड़ी वारदात होने वाली है। अगर मुझे पहले ही सब पता होता तो मैं पहले ही उनके लिए कुछ न कुछ करती, लेकिन अब जो हो चुका है उस पर हम तो क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इस दुनिया में एक लीजेंड गायकार जा चुका है, जिसकी आवाज सबसे अलग थी। मैं वाहे गुरु से प्रार्थना करूंगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, आपकी नजर में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की क्या अहमियत थी? अगर आप भी उन्हें एक अच्छा गायकार मानते थे और उनका गाना सुनना पसंद करते थे, तो फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में उनके लिए आखिरी बार RIP लिखकर जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।